ओके गाइज, तो मैं जा रही हूँ पार्टी पे। ये मेरा हेड ड्रेस, मैंने ये ड्रेस लेफ्ट की, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने ये दुपट्टा इसके साथ मैच किया है और मैं अब जा रही हूँ पार्टी पे। चलें जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइज, तो वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का व्लॉग जनाब, आज मेरे ससुराल वाले काम करेंगे। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। तो मेरे ससुराल मेरी देवरानी टूट पड़ी खाने में, डालो डालो, वो देखो एक कोटी डाल रही, डालो जितना रोज खाती हूँ उतना ही डालो भाई। ये देखें गाइज, तो ये मेरी सास ने ना चावल पका के मटर पकाई है। वाओ, ये देखें जी, आज का सारा दिन मेरे ससुराल वाले मेरी खिदमत करेंगे। कोई चावल पकाएगा, कोई भांडे धोएगा, कोई कुकर पकाएगा, मेरे कुकड़ों पे हमला कर दे। नहीं, भांडे मैं नहीं धोऊंगी, यही धोएंगे भांडे मैं धोऊंगी। भाई जान, असि अच्छे अच्छे लाख के गरीब भाई होइए, साडे को अच्छे अच्छे लाख के फोन है, असि भांडे धोने। तुसे भांडे धो सो आज। ये देखे गाइस 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 गाइस, हम अच्छे लगते हैं भांडे धोते हुए। गाइस चैनल को अच्छी तरह वॉच टाइम दिया करें रौनक मेला स्टार्ट है हमारे घर में जी। आज कुकिंग कर रहे हैं खुद ही मेहमान जो हमारे है ना, मेहमान तो नहीं कह सकते, घर का फर्द है, और वो खुद ही कुकिंग करेंगे, खुद ही पकाएंगे और खुद ही खाएंगे। तो यहाँ बन रही है जी, देसी मुर्गों पे हमला हुआ है, मेरे घर के जो देसी मुर्गे उन पे हो गया हमला, और जी यहाँ पे बन रही है देसी मुर्गों का सालन, और बड़ा ही स्पेशल रेसिपी है एसन भाई की। और यहाँ जी हमला हुआ है देसी मुर्गों पे, और वहाँ पे तलाई स्टार्ट होगी, आपको साथ साथ रेसिपी भी बताएंगे। फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और इन्जॉय करें हमारे साथ। लाइट गई हुई है, रोशनी का मसला है, लेकिन चलेंगे, छोटा किचन, अब हम बड़े किचन में जा रहे हैं। ओके जी गाइस, तो रात से शोर था कि देसी मुर्गे पकने चाहिए, देसी मुर्गे पकने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देसी मुर्गे सेलेक्ट किए हैं जो कि एक ही साइज़ के लगे हैं, और उनको हलाल किया जा रहा है, और फिर इसकी वो पकाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्पेशल रेसिपी और बहुत ही उसमें कोई हैक्स हैं और बड़ी बातें हैं। ज़रूर देखिएगा फुल ब्लॉग को। यहाँ पे जी गाइस, मेरी जो नंद है ना, वो अब गोश्त की धुलाई करेगी, और वो धुलाई ऐसे करेगी कि उसको सिर्फ आधा घंटा उसको धोएगी, फिर आधा घंटा सिरका लगाएगी, और मैं खड़े होकर इंजॉय करूंगी। 15-20 मिनट आधे घंटे लेना छोड़ दें सिरका, इसको लगा के 15-20 मिनट के लिए। इससे क्या, इसकी स्मेल वगैरह क्या, इसकी स्मेल भी चली जाएगी, और दूसरा ये हो जाएगा कि ये गल भी आसानी से, देसी मुर्गी है तो गल आसानी से जाएगी, जितना टमाटर ज़रा डलता है और प्याज, उसकी ग्रेवी अच्छी उतनी बनती है। इतने सारे प्याज चाहिए और ये 5-7 टमाटर चाहिए कम। अगर आपने अच्छी ग्रेवी वाली कढ़ाई बनाई। गाइस, लोड शेडिंग की खराबी से यहाँ पे बल्ब खराब हो गया, हमने बाहर से ग्राम को बुलाया, ग्राम आके यहाँ पे ये लाइट को सेट करने की ट्राई कर रहे हैं। एसन भाई यहाँ पे बना रहे हैं स्पेशल देसी मुर्ग, ये 4 देसी मुर्गों का सालन की कढ़ाई। एसन भाई क्या बन रही है? करी 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 बन रही है, और ये ग्रामी खड़ा है, ये ग्रामी खड़ा है, अंडे उबल ठंडे पानी के अंडे ना पाए करो, एक गर्म पानी पहले उबाल, पानी उबलता पे होवे ना मोड़ बेच अंडे पाए करो। ये जाए ने जबरदस्त शक्ल आनी शुरू हो गई जी बेटा, ये बीफ की देखिए कितनी प्यारी ब्राउन शक्ल होगी। ये सबसे पहला ये है कि इसको गोश्त को आपने बिल्कुल इस तरह फ्राई कर लेना है, इस तरह गोल्डन कर लेना है, ये जैसे ये हो गया। अब अगर आप इसके ऊपर नींबू और काली मिर्च लगा के आप खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं, मतलब इस काबिल हो जाए, इतना फ्राई हो जाए। ये देखें, ये देखें, ये दूसरी बोटी, ये देखें, ये बिल्कुल गोल्डन हो रही है बन के पक के। तो ये अब इसको हम निकालेंगे, फिर दूसरा जो पड़ा हुआ गोश्त उसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर अलग से इसकी ग्रेवी मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद फिर गोश्त ऐड करके फिर उसको भुनी लगा के, थोड़ा सा अगर करी बनानी है तो थोड़ा सा शोरबा बना लो, पानी लगवा लेंगे, अगर कढ़ाई बनानी है तो फिर तैयार हो जाएगा। अच्छा मेरा ये क्या लाए हो? ये दही है, दही है, ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, बता नहीं दे। ऐसा मैं क्या दिखाओ, ये मेरे गिफ्ट, मेरे कुक के लिए आज माही का गिफ्ट आया जी, ये देखें, ये सिकंदर भाई का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह उनके रिज्क में इजाफा करे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी खास रहमत करे। पहले भाई ने कहा था खोलना नहीं है, सही वाल जाके खोलना, चलो आप भाई कह रहे हैं तो मैं खोल दे। यूट्यूब वाले देख रहे हैं डोडा की में, जबरदस्त ये डोडा है गाइस, डोडा डोडा देखें, ये अपने इलाके के मजे लोग यहाँ पे खाना पका रहे हैं। भाई जान,
अच्छी तरह वॉच टाइम दिया करें ताकि मैं बांडे ना धोने पड़े, नहीं तो आप भी बांडे धोएंगे। दूसरी गल होंगी कि जो असं पहले पीक से फ्राई करने है ना, एक्चुअली प्योरीफाई हो जाता है। अगर खुदा ने खासा कोई भी जरासीम कोई भी प्रॉब्लम इस बर्ड के हो रह नहीं सकता, वो खत्म हो जाए। फिर ये कि मेरी वालदा साहबा ने, मेरी दादी अम्मा जी कि उन्होंने पुप्पो भी हाँ, उन्होंने अपनी वालदा साहबा को उन्होंने मूँह चु असी सुने अपनी दादी के मूँह, मतलब ये भी चार पाँच पुश्तों तू तो मैनू पता है ना कि साढ़े घर जरा चिकन बनता देसी वो इस टाइल का। और यदा सब तो वाला फायदा है कि तुम चिकन फ्राई करके तुम रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो गोश्त, एक साल रख दो नहीं खराब हो। हम फ्राई हो गया प्यार पैक करके एयरटाइट करके उत्ते रख दो, जो मेहमान आवे थोड़ा मसाला तैयार किया पाया फ्रैश। असि चीजा पकाते नहीं है, असं उन्होंने गलाने, हालांकि चीजा पकाना चाहिए, उन्होंने प्रोपर टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए, हल्की हल्की आंच ना। अगर तुम आंच तेज रखो तो बाहरों ब्राउन हो जाए, विचू कच्चा रह जाए, लेकिन अगर तुम हल्की आंच से करसो तो बोटी कोई भी तोड़ के चेक करो, ये अंदर तक जनाब ये अंदर तक मैरीनेट मसाला भी एवं ही होगा जिम्मे घी हो गया, रस्ते बन गए। हाँ जी, फिर गाइस तो ये जी मुझे मेरा नाश्ता टू एग्स, मैंने कहा ये मैं खा लूँ, मेहमानों में इतना ही टाइम मिलता है, बस तो अंडे ही खा सकता है बंदा। ये जी गाइस तो अब ये ले लिया हमने देसी घी, ये देखें जी, ये जी पाव से कुछ ऊपर है, ये देसी घी लिया है। नमक इसमें जायका जी। हेलो गाइस, ये सबसे पहले हमने ये देसी चिकन जो है इसको खूब अच्छी तरह फ्राई किया है, गोल्डन कर लिया है ये आप देख सकते हैं, और अब हमने कढ़ाई को दोबारा से वॉश करके साफ करके और नए सिरे से जिस घी में फ्राई किया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, नए सिरे से देसी घी डाला है, इसको थोड़ा सा पकाया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है ताकि ये इससे ये इसकी रंगत इसकी महक जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब हम गाइस मसाला तैयार करेंगे, पहले मसाला तैयार करने के बाद फिर ये चिकन उसमें ऐड किया जाएगा, तो ये साथ साथ आप देखते रहें। ये सबसे पहले गाइस ये हम प्याज इसमें डाल रहे हैं, प्याज जो हैं ये आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आपने प्याज डाल रहे हैं। हाँ जी गाइस, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो अदरक हम ज़रा थोड़ा सा लेट डालेंगे और ये लहसुन का जो पेस्ट है ये हम प्याजों के साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं। ये गाइस लौकी पड़ी है, ये एक लौकी इन्होंने ये ग्राइंड करके रखी है, साथ ये सात आठ टमाटर पड़े हुए हैं, ये देखें अदरक ये पड़ी है और वो दिखा चुके हैं आपको कि क्या क्या उन्होंने बीच में ऐड किया है। चलिए अब ये गाइस हमने मसाला तैयार किया है, इसमें पिसे हुआ धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो डाली गई है, जो पानी के साथ पानी के साथ इसको तैयार किया गया। आज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी नरम भी हो गई है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें जो हमने ये मसाला तैयार किया हुआ है ये हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी गाइस, ये देखिए अदरक का पेस्ट अब ऐड कर रहे हैं सन भाई। ये मैं जरा पहले डाल रहा हूँ कि मुझे अदरक की स्मेल अच्छी नहीं लगती, जो लोग अदरक की स्मेल पसंद करते हैं वो इसको बिल्कुल एंड पे डालें। रेसिपी की जो एक खास टिप है कि जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो डालने के बाद आपने कम से कम 2-3 मिनट का दूसरी चीज़ से वक्फा देना है। ये देखें गाइस, ये हमने एक लौकी कद्दू का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। असल भाई लौकी डालने का क्या फ़ायदा है वो भी बता दें। ये जो गाइस हमने लौकी का पेस्ट बना के डाला है इससे एक तो ये है कि इस सालन की तासीर जो है ना ठंडी हो जाएगी, ये आपके मेदे में जलन वगैरह नहीं करेगा, आपको खाने में लाइट फील होगा, आपको जो है ना जैसे आम खाना खाने से फ्राइड चीज़ें खाने से मेदा खराब होता है, स्टमक गड़बड़ होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने चूँकि इसकी बनानी है हल्की ग्रेवी, तो जो ग्रेवी होगी वो हमारी बहुत टेस्टी बन जाएगी, उसमें कद्दू का टेस्ट तो नहीं आएगा लेकिन जो है ना गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, पतली नहीं बनेगी इससे। ओके जी गाइस, तो अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और इसको दोबारा से भूनेंगे। पोजीशन में आ गया मसाला, अब हम इसको थोड़ा सा पानी लगा के
थोड़ा सा दम लगाएंगे ताकि ये देखिए गाइस जब पानी आपने डालना है तो आपने डायरेक्ट नहीं डालना, ये चम्मच में डाल के थोड़ा थोड़ा साइडों से, ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट डालने से आपके मसाले का जो टेस्ट है वो खराब हो जाए। ओके गाइस, तो ये देखें जी मसाला हो गया रेडी। ये जिन्होंने जो चिकन को फ्राई किया था, तला था अच्छे तरह से, और जो कि गल चुका है तकरीबन, अब हमें देसी मुर्ग लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको दे देंगे 5 मिनट ये दम। ये देखें जी, ये ग्रेवी इसकी हो गई है पूरी ज़बरदस्त बन गई, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, मतलब शोरबा नहीं है, और बस ठीक है। ओके जी गाइस, तो हंसी मजाक अपनी जगह, ससुरालियों से खिदमत करवाना अपनी जगह, लेकिन ये रिश्ते होते हैं सारे प्यार के, खलूस के, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ससुराल वाले कहना तो फजूल है, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बहन भाइयों की तरह, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत प्यारे रिश्ते हैं, लेकिन हमारा हंसी मजाक भी ऐसे ही चलता है। तो बस मैंने आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये देखिए गाइस, देसी स्टाइल खाना, विलेज स्टाइल खाना, विलेज स्टाइल खाना, विलेज में विलेज स्टाइल खाना, विलेज पार्टी, मैंगोज भी होने चाहिए साथ, विलेजर्स के साथ। यहाँ पे जी गाइस, ये कॉकटेल की टाइप है, ये मेरी देवरानी ने बनाई है, ये देखें जी अभी उठा के लिए, ये देवरानी मेरी रख रही है, कॉकटेल इसने बनाई है। तो आज का सारा काम मेरे ससुराल ने किया है। वाह वाह वाह, अब्बा जी कैसा है? वैसे पुत्र मजा ही आ गया, क्या बात। ये देखें मेरी देवरानी टूट पड़ी खाने पे, डालो डालो वो, देखो एक कोटी डाल रही, डालो जितना रोज खाती हूँ उतना ही डालो भाई, मैं तो खाती नहीं। नहीं नहीं ऐसा भाई, ये देखे भाई, ये देखे भाभी हमारी इतना ज्यादा खाती है, अब ना कैमरा देख के हाथ रोक रही है ना, भाभी खाओ, भाभी भर के प्लेट निकालो, भाभी प्लीज प्लेट जैसे पहले भरती वैसे ही भरे ना, क्यों शर्मिंदा करें, लोग क्या कहेंगे, अब हड्डियां क्यों डाल रही है। अच्छा तंजील देखना जरा, वो इतने आराम से वाकई बोटी पाओ ही नहीं, तंजीला डालो ना प्लीज। ये देखिए भाभी की प्लेट, ये देखे जी अब्बा जी की प्लेट, पुत्र मजा ही आ गया। इसका नाम भी कॉकटेल ही है ना, ओके जी गाइस, तो एक रेसिपी हमने कॉकटेल की कल लगाई, एक दिन पहले वाले ब्लॉग में लगाई थी, वो भी बड़ी टेस्टी थी, 3 इंग्रेडिएंट के साथ। इस कॉकटेल में कस्टर्ड भी है, इसकी रेसिपी आपको दोबारा से बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें, टेक केयर।